I do that. आइजा मैं बुबू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग फटफट नाश्ता करेंगे, हम लोग को जाना है सैलून, फिर वहां से जाना है लाडो के बर्थडे में और न्यू सैलून की इनोग्रेशन में, है ना। आयजा नहा धो के रेडी हो रही है और चालू इसका रोना, और हम लोग वहीं रेडी हो गए। और कुछ सामान भी लेना है हमें, गिफ्ट वगैरह, तो हम लोग वहीं से ले लेंगे। नाश्ता करते फिर चलते सैलून। आयजा नहा धो के एकदम रेडी हो गई, फ्रेश। आयजा एक और ये बच्चा ना पैंट पहनता है भाई, ये चड्डी वड्डी नहीं पहनते। बैठ जाओ, कैसा एकदम रेडी हो गई नहा धो के। आयजा देखो ही गर्मी लग रही है ना पूरी। अरे बाप रे बाप, जाना भी रेडी हो गई, मैं भी जा रही रेडी होने। नहीं सैलून, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, तो मैं घर पर ही लेट गई थी क्योंकि धूप भी इतनी है बहुत ज्यादा ही है। और हम लोग यहीं से कपड़े पहनकर जा रहे क्योंकि डायरेक्ट सैलून जाके रेडी होना है। तो ये देखो मेरा ब्लैक, मैं चीनू का बताती हूँ। तो ये है चीनू का ब्लैक कलर का टी शर्ट है ना, और ये व्हाइट कलर की ट्राउजर, और ये मैंने एकदम नॉर्मली पहना है क्योंकि धूप बहुत है। और चीनू का फेवरेट है वैसे थम्सअप, लेकिन आज पहना उसने कोका कोला। हाँ मैं थम्सअप नहीं पीती है, बस पार्टी है तो वैसे ही वेयर करना पड़ेगा वेस्टर्न, है ना। और सैलून जाके थोड़ा सा रेडी, थोड़ा सा टच अप वगैरह रेडी होंगी, ज्यादा नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को। तो फिर ये देखो यानी गर्मी का अम्मी ने पहने हुए हैं, आयजा ने ये पहनी हुई है, अब चीनू बताएगी। मेरा पहनी ये ब्लू जीन्स व्हाइट और एकदम ढीली डाली टी शर्ट और एकदम कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल। और ये मुझे किसने दिया हुआ है, जिसका आज बर्थडे है, आज बर्थडे उसी ने दिया हुआ है। हाँ तो बहुत कंफर्टेबल है, वेरी हैप्पी की मतलब इतना मस्त। हाँ कम्फर्टेबल, अच्छा। चलो फिर चलते हैं। ब्लू कलर का शूज, और ये मेरी भी शूज रखी, देखो यहाँ पर सब मैचिंग होना चाहिए नीचे से ऊपर तक। ऐसा टॉप पहनी थी मेरी बेटी के बर्थडे में 2 साल पहले, है ना, व्हाइट कलर का। ये मैंने पहन चुकी हूँ ऑलरेडी, 2 साल पहले ही मैंने पहन चुकी हूँ। कुछ कार्टून बना था। उस पे था डोरेमोन, और हाँ डोरेमोन था, और मेरी व्हाइट ब्लू कलर की लेगिंग्स थी। और आज मैंने ब्लैक पहनी हूँ, तो ये जाना को गिफ्ट आया था, तो जाना ऐसे कपड़े पहनती है नहीं, तो ये टॉप में बोली मैं पहन लूंगी, चुपता है। हाँ और मेरा इसमें का सेम था व्हाइट और ब्लू कलर का, और वो भी कलर कैसा था मेरा एकदम अलग था, बहुत प्यारा था मेरा, पचरंगी जैसा कलर था, अच्छे रंग मैंने पूरे कलर मिक्स रैम्बो। और ये भी जानो किसने गिफ्ट दिया था जाना तुमको, रमीश भाई ने गिफ्ट दिए थे। तो रमीश भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो ये मैं गिफ्ट जाना का मैंने पहना है, लेकिन बहुत प्यारा है। ये चिन्मा का गिफ्ट है जो मैं लगाती हूँ, ये मेरा गिफ्ट है जो जाना लगाती है। तो जो भी है मिल बांट के, है ना। और मुझे ऐसा पहनना बहुत पसंद है, जाना नहीं पहनती। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। रेडी हो गए, अभी हम लोग जा रहे लाडो के बर्थडे में, उसके इनोग्रेशन में। मैं और जाना एकदम वेस्टर्न पहन के रेडी, और आप लोगों ने देखे कि हम लोग घर से ही कपड़े पहनकर निकले थे जो पार्टी में हम लोग को वेयर करना था। अभी हम लोग जा रहे कुछ लेने के लिए,
तो पहला वो लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे निकलेंगे जरा। अब ऐसे भी लेट हो गया, 6:30 तो बज ही गया है। जाना भी देखो नॉर्मल सा, तबियत उसकी भी ठीक नहीं है। कल हम लोग ऐसे ही धूप में बहुत घूम कर, यानी बाहर काम से जाकर है, तो कैसा लग रहा है लोग जरूर कमेंट करके बताना हमारा। और हमने एक ट्रेडिंग वाला गाना जो न्यू निकला है वो हम लोग इंस्टाग्राम पे बनाया है, तो आप लोग जाके हमारे वीडियोस देखना। स्टॉप करो और एक फोटो निकालो, सेव करके हमारी जो फेवरेट शॉप है जहाँ से हम लोग हमेशा लेते हैं मैं और जाना। तो अभी हमने देखो लाडो के लिए क्या लिया, बता शर्ट और डंगरी लिया, उसके ऊपर डंगरी बहुत अच्छी लगती है और कलर ही बहुत प्यारा है और पैंती भी अच्छी। हाँ ये देखो, और हम लोग को अच्छा लगा है ना जाना, वो ऐसा पहनती है। ये वाला टॉप लिया बहुत प्यारा है ना जाना, और इसके नीचे ब्लैक जीन्स जीन्स है ना। कर दो शॉपिंग थोड़ा बहुत, मैं भी अपने लिए देख रही हूँ, जाना बोल रही है मेरे लिए भी ले लो, देखती हूँ फिर वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर रात में। पहले कपड़े देखी और मैंने कहा कि मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, वडाला जाना यही बच गया 7:15, तो कुछ खाते हैं फ्रेंकी और फिर निकलेंगे हम लोग है ना। कल मेरे कपड़े आके लूंगी मैं क्योंकि अभी साइड में रखवा दी मैंने बहुत, और हम लोग की तबीयत दोनों की भी ठीक नहीं है, देख सकते आप लोग जाने को भी चक्कर आ रही है, मेरे को भी आ रही है बहुत, इसलिए हम लोग कुछ खाते जा रहे हैं क्योंकि थकान हम लोग कल की उतरी बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आ गए फाइनली यूनिसेक्स सैलून, माय गॉड है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ, हिना खान मेक ओवर बाय आयशा मा यूनिसेक्स सैलून, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। चलो मेक ओवर बाय आयशा मा, वेलकम टू जामी सैलून, जाने भाई आगे दारा एंड मीनार। मतलब यार शादियाँ तो किसी की कमी नहीं होती है। सॉरी आप बाज रहे हैं, सॉरी आप बाज रहे हैं, कैसे हो? हम लोग दोनों पहले बाद में मैं सब देख ली अभी, मत पसंद हाँ वो तो इतना तो होगा ही, वो मशीन निकली नहीं है, बहुत प्यारा ना कि डेमो है वो देखने है ना। ऐसे कभी कभार अच्छा लगता है कहीं जाने का ना, अपने यहाँ तो जाते ही रहते हैं सैलून में, बहुत प्यारा है ना। जरा कुछ बोलेंगे? नहीं मैं फिलहाल ना मैं पानी ले लूंगी हाथ में क्योंकि मेरे पास कुछ गिर चुका है। अच्छा हम लोग कुछ गिरते पढ़ाते आए हुए, बहुत अच्छा। सलामकुम, तो आज मेरे दोनों राइट और लेफ्ट हैंड आ गए हैं जामीन, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से हर कोई जानता है, तो आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आ गए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो न्यू सैलून है ना इनॉग्रेशन की और आपके बर्थडे की, थैंक यू है ना, तो बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक और बहुत प्यारा सैलून है, बहुत बहुत जितने भी हमारे यहाँ पर रहने वाले जैसे ये ना वैसी सैलून है ना, मतलब जिस किसी को भी मिलना होगा हिना खान से तो यहाँ आ सकता है, ये भी है शाजिया भी है ना। हेलो, ये आप हो गए कॉम्बिनेशन था क्या, ब्लैक गोल्ड एंड व्हाइट पूरा कॉम्बिनेशन, फैमिली कंप्लीट, यस बहुत अच्छा लगा। बाकी भाई फोटो निकाल लो, भाई भाई आज फोटो निकाल लो जरा,
ये देखो पूरी कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट फैमिली, ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो व्हाइट मैं अलग हुआ रहना चाहिए मतलब अभी इसके बाद तो आओगे ना फुर्सत से बैठो ना अस्की जल्दी जाना वेलकम पठान प्रिंस वीडियो ही निकाल रहे बचाओ गिला रहे और कुछ पहली बार तो सिर्फ इंसानों के से खड़े और अब तक तो क्या 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 हो
मेरा भी बर्थडे अगले महीने। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो? बस एकदम फर्स्ट क्लास है ना भाई। क्या बोलते हैं? जा बोलेंगे हम। चार्जर जरा रुक जाओ। अरे लोग शिकारी है अभी लोगों में आ जाना बाकी है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। ओए आओ ना, क्यों बैठे हो? अपना ही है। एक राउंड मार लेगा इधर, एक राउंड मार के आ जाके बैठ जाओ जिसमें खाली है। आइए ना, चलो। नींदू प्लीज, कहाँ है पापा? सुल्तान वेलकम बैक टू दुबई फ्रॉम दुबई। सुल्तान वेलकम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बोलो टीना ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, जैसे कि स्टेज शो किए हैं, एक्टिंग की है, एक्टिंग में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। जो लोग उसे बोलते थे कि अरे यार ये जाए ना वहीं रह जाएगी, इसकी जिंदगी ना यहीं पे खत्म हो जाएगी। आटना चारण वाली बात कहाँ गई? अच्छा, अरे वो बाद में करेंगी। वो स्कूल टाइम की बात थी, और अभी बात यह है कि मैं इससे अभी भी पैसे चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैंने आज भी चार्ज किए होस्टिंग करने के लिए। तेरा हक बनता है। लेकिन यार काफी लोगों को उसमें भी बहुत बुराई लगती है। कोई नहीं, वो आपका हक बनता है। तो बात यह है कि ये उन लोगों के लिए उन लोगों का ये बोलती बंद करने वाली चीजें हो चुकी है कि हिना खान का खुद का एक सलोन ओपन हो गया है, जो कि हिना खान किसी और के सलोन में जाके उनको प्रमोट करती थी, उनको आगे बढ़ाती थी। अब हिना खान का खुद का सलोन हो चुका है, तो ये छोटी सी चिंगारी है। क्या बोली? देख अभी याद लगना बाकी है। अरे ज़ारा ज़मीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़ारा ज़मीन उसकी फैमिली है, और वो अपनी फैमिली के सलोन में जाना और प्रमोट करना नहीं होता है। और ज़ारा ज़मीन ने कभी उससे प्रमोशन करवाया भी नहीं। जिन्होंने उससे प्रमोशन करवाया उसका नाम लेकर आगे बढ़े, और बाद में फिर ये कहने लगा रहे हमारा तो नाम पहले से था। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बात ऐसी नहीं होती है। हर इंसान अपना हक का खाता है, अपना हक का कमाता है। तुमने भी अपना हक का खाया, अपना हक का कमाया, लेकिन जब तुम किसी के नाम लेकर आगे बढ़ रहे हो ना, तो बोल दिया करो यार बढ़ रहे हो। सही बात, क्या बात बोली शाह। सो आप सबका वेलकम है हिना खान मेक ओवर में बाय आयशा माँ। और थैंक यू सो मच नीतू जी कि आपने उसको इतना सपोर्ट किया, ज़ारा ज़मीन जिन्होंने उसको इतना मोटिवेट किया। मेंटली सपोर्ट तो बहुत बहुत ज्यादा ज़ारा ज़मीन ने और नीतू जी ने किया है। अगर देखा जाए कि हिना खान का ये जो सलोन ओपन हुआ है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा है। ये कैसे पता है? मैंने अचानक से हिना से बात करना शुरू किया, और मैंने मॉर्निंग में उसको जाके बोला था सबसे बड़ा हाथ मेरा है। ये बात तो सच है। अच्छा, ये बात आप हिना से भी पूछ सकते हो। हिना इधर आओ, हिना की बोली जा रही। देखो
अच्छा हीना ये बताओ कि देखो मैंने मैं आपसे आके होटल में मिली उसके अरे क्या हो गया अरे क्या हुआ चल रहा हेलो हेलो हाँ देखो मैं सबसे पहले आके आपसे होटल में मिली उसके बाद मैंने कुछ बोला था उसके बाद से ही सारी चीजें स्टार्ट हुई क्रेडिट मुझे मिलता है ना उसके बाद सारा नहीं मिलता उतना तो उतना क्रेडिट तो मिलता है 25% उसके बाद का सब ज़ारा जामीन और नीतू जी को मिलता है ठीक है जो इसको मेंटली सपोर्ट किया है वो ज़ारा जामीन ने किया है जो स्ट्रांगली यहाँ पे रह के सारी चीजें मैनेज की है वो नीतू जी ने की है ये सिर्फ मलाड़ और दादर आई गई है और सबसे बड़ा सपोर्ट जो किसी ने किया है वो है तलहा सैयद जी ने तलहा सैयद जी जो के ऐसा कर रहे हो वहाँ पे तो तलहा जी जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जो इनके पार्टनर हैं हीना जी के ठीक है और मेरे को ज्यादा खाना कुछ और मिलने वाला है नहीं जो मैं और ज्यादा तारीफ करूँ तलहा जी मेरे कौन से पार्टनर है क्या बताएं डार्लिंग लाइफ पार्टनर है और क्या है हेलो आ रही है ना मेरी आवाज मैं माइक में बोलती हूँ इसलिए मेरे को पता नहीं मम्मा मम्मा ये मेरा मैसेज आपके लिए मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ आइए इधर आइए आइए मेरा काम जब राजा मेरा बुला रहे हैं तो सबको मैं बताना चाहती हूँ मेरी मम्मी जल्दी कैमरे में आती नहीं है कुछ बात नहीं कर पाते वो बहुत शाय है आज भी उनको बहुत ज्यादा शाय फील हो रहा है सब मेहमानों के बीच में बट सबसे बड़ी बात मेरी ताकत मेरी हिम्मत मैं जब भी टूट जाती हूँ कमजोर पड़ जाती हूँ तो मेरी मम्मा ही मेरी सब कुछ है मेरी पूरी फैमिली डैड है नहीं बट मेरी मॉम ने मेरे को कभी डैडी की कमी होने नहीं दी मैं बीमार हो जाती हूँ तो मैं छोटा बच्चा बन के उनकी कमीज पकड़ लेती हूँ कहीं मत हिलो कहीं नहीं जाना मेरी मम्मी सो नहीं पाती है रात रात दिन दिन उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से बड़ा किया है और आज भी मैं उनके लिए उतनी छोटी बच्ची हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ जो मेरा अंदर कॉन्फिडेंस है ना वो मेरी मम्मी के वजह से है मेरी मम्मी मेरी स्ट्रेंथ है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू मम्मा बच्चे की भी मेहनत है बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची बस सब लोग उसके लिए दुआ करो और मेरी बच्ची का साथ दो राजू तो भाई आई है ना बस रोना नहीं बैठो 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 रोना नहीं रोना नहीं सबकी मां के दिलों पे रोते नहीं सेकंड में ये बोलना चाहूंगी कि मैंने सोचा तो था कि हाँ मैं इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगी सलोन या कुछ भी वो मैंने एकदम सोचा नहीं था क्या करूंगी पर हाँ सोचा था कि कुछ टाइम बाद बट आज जो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है हीना खान मेकओवर यूनिसेक्स सलोन जो स्टार्ट हुआ है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं नीतू को देना चाहूंगी क्योंकि अगर नीतू नहीं होती तो शायद मेरा ये सपना पूरा नहीं होता उसने मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया है नीतू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मतलब मेरे को एकदम छोटे बेबी की तरह ट्रीट करती है वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का एक पिन क्यों ना हो उस पिन का भी ख्याल रखती है और देखा जाए तो नीतू के सपोर्ट से मेरा एक सपना आज पूरा हुआ और मेरी बेटी का सपना मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी का ये सपना था जो नीतू की वजह से पूरा हुआ तो थैंक यू सो मच थैंक यू आप कुछ बोलेंगे तुमने बोल दिया इतनी बड़प्पन कर ली इतना काफी है मेरे लिए जो तुमने किया मैंने वही बोला थैंक यू सो मच करने वाला ऊपर वाला जरिया तो आप हो ना थैंक यू सो मच ऊपर वाले को बोलने वाली मैं हूँ उसके घर जाके लास्ट में तलहा सैयद तुरंत बुला रही है तलहा सैयद जल्दी आओ अरे खाना
चाहूंगी मेरे जो लाइफ पार्टनर है उनका नाम थला सैयद है, सबको ही जानता ही है, बट इन्होंने मेरा बहुत 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 ज्यादा साथ दिया है। थोड़ी सी पागल हूँ मैं, थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ, गुस्से में थोड़ी सी बदतमीज भी हूँ, पर हाँ मतलब ज्यादा ऐसे मैं वीडियो में बोलती थोड़ी। तो इन्होंने हर वो मेरे गुस्से को हर चीज को मेरे को कैसे टैकल करना है, मेरे को कैसे समझाना है, ये मेरी बैकबोन है। अगर ये नहीं होता तो मैं इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती कि मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसका क्रेडिट इनको भी जाता है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए भी और मेरे ऐसे साथ देने के लिए भी, और हमेशा ऐसे ही साथ देना, मैं भी आपका हमेशा ऐसे ही साथ दूंगी। थोड़ा थोड़ा झगड़ा होगा उसमें क्या है, मैंने झगड़ा भी थोड़ा होना चाहिए है ना। हेलो अभी आप कुछ बोलो, अच्छा आज मेरी बारी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मैं बोलना चाहूंगी, क्या हो गया मेरे माइक को, सही है ना आवाज आ रही है ना। मैं बोलना चाहूंगी जाना और चीनू जामीन के लिए, आ रही है ना आवाज सबको, तो जाना और चीनू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है मेरे। वो दोनों मुझे बहुत समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, इस चीज में आपको तकलीफ होगी, इस चीज से आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जाना एक काइंड ऑफ टीचर होती है ना, नहीं बेटा ये गलत है ये सही है ऐसा नहीं, वो है। और मेरी बड़ी बहन है वो, और चीनू तो मैं बहन नहीं बोल सकती चीनू को, चीनू इज माय चीनू इज माय स्वीट हार्ट, चीनू की क्रश ही ना, चीनू इज माय क्रश, ओह माय गॉड। और आप दोनों को भी बहुत 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 थैंक यू, आप लोग हमेशा मेरे को ऐसे सपोर्ट किए हो, मेरी गलती रही है तो भी मेरे को सपोर्ट किए हो, मैं सही रही हूँ तो भी मेरे को सपोर्ट किया, हमेशा आप लोग का सपोर्ट। मेरे को कुछ हो जाए क्या है, कहाँ है, अब भी फोन करती ना, अब भी आते हम लोग, तो वैसे वाले ये लोग मेरी जान है। और सबसे पहली बात, दोस्ती तो है बट ये हमारा फैमिली रिलेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ब्लड रिलेशन, हम लोग को बाद में पता चला कि हम लोग हाँ ब्लड रिलेशन है। तो थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आप आए, आई लव यू, जाना आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह देखो और तरक्की दे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत तरक्की, बहुत तरक्की दे, अभी यहाँ से और आगे जाना, बिल्कुल, और अल्लाह और समझदारी दे, गुस्सा कम कराए और बहुत ज्यादा तरक्की। थैंक यू, और आप लोग तो हो ना, हम लोग सारे हैं, आप लोग हमारे चल रहा नहीं क्या, तो माय गॉड शाजा, इस तरह से शुरू कर शाजा के लिए भी तो बोल, मेरी जूनियर की दोस्त है वो, चालू आने का, क्या हो गया, हेलो आवाज आ रही है क्या, तो मुझे पता है माइक ने जल्दी कभी बात नहीं की, हाँ तो, और हाँ एक और एक स्पेशल पर्सन बाकी है जो है शाजिया शेख, उनका भी इनविटेशन देने का मुझे कोई इतना खास जरूरत नहीं, उनको भी हर कोई जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाजिया जी, आपने जूनियर केजी से मेरा साथ दिया है, अभी तक वड़े पाव से लेके आठवें से लेके आज यूनिसेक्स सैलून तक आपने मेरा साथ दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा ऐसा सपोर्ट बनने के लिए, इतनी प्यारी दोस्त बनने के लिए। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूंगी, वो आठाना और वो वड़ा पाव की दोस्ती आखिरी दम तक। देखो बात, बीच बीच में जाना पड़ता है कभी कभी, कोई बहता है, आवाज आई, आवाज आई, आई ये वाली आवाज आनी चाहिए, हाँ आई आई आ रही है, हाँ आ रही है। तो बात ऐसी है कि मैं बीच बीच में चली भी जाती हूँ, मेरे मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हाँ जहाँ पे मेरे दोस्तों को याद रखना चाहिए था, मेरे उम्रा के वक्त मैंने मेरे सारे दोस्तों को याद रखा, जारा, मीना, जीना, और हीना के लिए मैंने यही बोला था कि अल्लाह ताला उसको उसका कोई ना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करवा दे मुंबई में, ताकि वो हमेशा के लिए मुंबई में ही रहे, और वैसा हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हो गया। मेरी दोस्त ने वहाँ जाके मेरे लिए अल्लाह के घर जाके मेरे लिए दुआ मांगा। हेलो कबूल। थैंक यू। एक दो रिमाइक। हेलो और ये सबसे बड़ा थैंक यू और जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू, स्पेशली पडाल जी और मदिहा जिसका बर्थडे है वो तो गायब है लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आए। तो आपको बहुत से मत बोलो, ऐसे मत बोलो, पराया कर दिया आपने ऐसे बोलते। नहीं नहीं नहीं, पराया तो नहीं हो सकते आप। सच में मैं बताना चाहूंगी, मेरी इंस्पिरेशन है इन्होंने जो अपने पास्ट में जो भी हो, सबका पास्ट होता है, जो इन्होंने जो झेला है और जिस हिम्मत से ये यहाँ तक आए हैं तो मेरी इंस्पिरेशन है ये। और ये इनकी स्टोरी आप सुनोगे तो सबकी इंस्पिरेशन बन जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे इंसान का हाथ भी मेरे सर पे। तो थैंक यू सो मच। God bless you, love you. Love you too, बहुत सारा। और आपकी पूरी फैमिली को थैंक यू, तहसीन मेरा बच्चा भाभी आपको थैंक यू, आपको सबको जितने भी आप लोग आए हो ना आप सबको थैंक्स, बहुत बड़ा आप लोग आए मुझे इतनी रिस्पेक्ट दिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू आप सबको। हो गया देखा इज़ देखे आइजा आ गए घर पे, डायरेक्ट हम लोग घर पे आ गए और मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत ही जितना था उतना ही शूट की, क्योंकि शूट इसलिए नहीं किए डायरेक्ट घर पे इसलिए हम लोग आ गए, वरना हम लोग बैठे थे 12 एक बजे तक, अभी बज रहा है 12, हम लोगों घर पे आकर इतना बज रहा है 12, वरना हम लोग बैठे थे 1-2 बजे तक, क्योंकि हमारे जो मुबीना है उसके अब्बा का इंतकाल हो गया है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे हम लोग को वैसी खबर मिली, तो फिर भी हम लोग आधा घंटा वहाँ बैठ गए थे। हिना के बर्थडे की पार्टी थी और न्यू सैलून की इनोग्रेशन थी, और इनोग्रेशन में और बर्थडे में भी जाना ज़रूरी था, पर हम लोग को अगर पता होता तो हम लोग डायरेक्ट पहले वहाँ चले जाते, है ना। इंसान तो खुशी में जाता ही है पर गम में भी जाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को तो पता है कि मुबीना हमारे सैलून पर काम भी करती है बेचारी, अभी वो जाने ही वाली थी 26 तारीख को, सब चीज़ उसका हो गया था। सुबह में उसने स्टेटस डाली थी कि मेरे अब्बा के लिए दुआ करो, तो मैंने उससे बात भी की तो बोली हार्ट अटैक आया उसको, मतलब उसके अब्बा को हार्ट अटैक आया, उसने ऐसा बोली थी मुझे। और शाम में हम लोग खबर मिली तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और मुबीना को सब्र दे। तो हम लोग जल्दी से घर पे आए लेकिन मुबीना फ़ोन नहीं उठा रही है, अब ऐसी हालात तो इंसान कैसे फ़ोन उठाएगा। तो हम लोग घर भी उसका नहीं पता और अभी रात भी है, पता नहीं मैयत कब जाएंगी, दवाखाने से आई कि नहीं आई वो भी हम लोग को नहीं पता, क्योंकि दवाखाने में थे सुबह वो। तो जैसा भी हम लोग को मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, इसलिए मैंने जितना ब्लॉग था उतना ही शूट की, उसके आगे हमारा दिल भी नहीं बोला। और पहली बात गाना भी था तो कुछ हुआ ही नहीं नाच गाना, क्योंकि सुनकर तो आप लोगों को पता, और वैसे भी वहाँ पर जो इनोग्रेशन बर्थडे था वो टाइमिंग के हिसाब से था, तो हम बस गए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा लाडो के इधर जाकर, और अल्लाह उनको ऐसी तरक्की दे। तो हम लोग घर पे आए फ्रेश व्रेश हुए, मुबीना को फ़ोन लगाए वो उठाई नहीं, फिर भी एक बार और ट्राई करूँगी, वरना इंशाल्लाह फिर कल तो जाना ही हम लोग को, है ना, क्योंकि मैयत अभी रात में जाती है सुबह जाती है, हम लोग को पता ही नहीं है, वो भी आई के नहीं है वो भी हम लोग को नहीं मालूम। तो आप लोग भी दुआ दो, दुआ करो उसके लिए और अल्लाह उसको सब्र दे। ये क्या गंदा है, गंदा है ऐसा गंदा, देख देख रख कर रख दू देखो देखा देख देख सुबह अरे नहीं अरे बारिश सी अच्छा देरी बैठ बैठ बराबर बैठ दे मस्त है एक नंबर नहीं मिला नहीं मुझे कोई उधर तो लड़की है बड़ा तो खुल गया सब दो तरकीबाज वाले काम कर रही लड़की है रजनीगंधा खाई है चलो चम्मच निकलेगा तो उसका एक्शन देखना
ऐसा कुछ उसे चॉकलेट मिल गई उसका ये काम करेंगे छाते का अल्लाह बिल्ली का रास्ते लगा दी हमारे अरे बच्ची है रे ऐसा म्याओ म्याओ ये म्याओ म्याओ ये नहीं आएगा बाल अल्लाह ऐसा किसी ने मारा नहीं तो दो साल में देख देखा डर देख वो भी देखती है म्याओ म्याओ ए अबू 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 अल्लाह रे रोती गुस्सों की हैरान करती है अरे ये काटे बिल्ला काटे बिल्ली नहीं काटे दोनों मिले काटेंगे उसको बिल्ली को करो रोक करो रोक करो पापा रोक करो हाथ में वाले दीदी बाल 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 चप्पल ले चल हा? ए? ए? आए तीन और अभी हम लोग जा रहे अभी मुबीना से बात हुई तो अभी हम लोग घर में थे आप लोग देखे कि हम लोग मैक्सी से पहनकर ही बैठे थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुबीना को मिलने के लिए और अगर मैं ये चाहे तो वो भी देख लेंगे हम लोग मैं जोया अपने घर पे अभी वो उसको भी लेकर जाएंगे जाना में हम लोग जा रहे हैं बस अभी चेंज वेंज करके तो जैसा अभी ये देखते हैं फिर आगे होगा तो ब्लॉग में लूँगी नहीं तो नहीं लूँगी फिर आने के बाद आपसे गुड मॉर्निंग और हम लोग घर पर ही है एक तो इतना ज़्यादा गर्म है ना कि बाहर जाने दिल नहीं करता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है अभी मार्केट में देखे ना तो एक तो मैं पहले से हॉट मैं भी इतनी गर्म मेरा दिमाग भी इतना गर्म अरे बाप रे बाप मेरा तो पारा बहुत गर्म रहता है अभी दो तीन दिन मेरे को बहुत काम था ना तो मैं बहुत सुकून मतलब थोड़ा सा वो रिलैक्स कर रही थी पर अभी और देखो मेरी बात पे मेरे घर वाले भी हंसते अभी गर्म गर्म एकदम दिमाग रख के मैंने बनाई हूँ गर्म गर्म अंडा ये मुझे बहुत पसंद है तेज खाना और मेरी आयजा को मेरी जैसे आया थे बाबा एकदम साफ सफाई एकदम क्लीन से खाना एकदम तेज खाना क्योंकि अल्लाह ने मेरी जबान में एकदम तेजा ही रखा हुआ है क्योंकि मैं तेज बोलती बहुत हूँ तो यही तो लगता है बुरा कोई बात नहीं पहला खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही भूख और दो तीन दिन में बहुत बिजी थी और आप लोग को तो पता है कि कल मुबीना के अब्बा का भी इंतकाल हो गया था तो हम लोग सुबह उधर से आए तो अभी वैसे भी दिमाग बहुत गर्म है क्योंकि धूप बोलते ना सर पे एकदम छा गई है मेरे तो अभी देखते हैं थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे वरना फिर एकदम दिमाग के गरम गरम अंडा और ये हमारी भावज ने हमको क्या बना के दिए ब्रेड बटर टोस्ट करके है ना भावज चलो खाते हैं और उधर देखो और यह देखो भावज का नाम उजमा चलो फिर खाते जी बजाओ खाती हूँ मैं चाहिए क्या रख दे रख दे बंद कर ढक्कन बंद कर तभी खुश होती देख के बन गए चल जा चल नाम खराब करो जरा पूरा मेरा चल चाहिए अरे खड़े लो जरा डर जाएंगी बुआ कम कर इसलिए कम कर अभी निकलेगा नहीं है निकलेगा
मस्ती मजाक करते करते आयशा से हम लोग हो जाते हैं रोज लेट, तो बज गया अभी 4:30। तभी जा रहे सैलून और क्लाइंट भी अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन शाम में शायद से क्लाइंट आएंगे या फिर जैसा भी रहेगा। तो पहले चलेंगे सैलून, कुछ सामान भी लेना, उसके बाद जाएंगे सैलून और फिर शाम में देखते जाना है कहीं पर, बताएंगे आपको। हम लोग सैलून पे घर से और काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोग बातें शातें करके बैठे थे, फिर हम लोग ब्यूटी सेंटर होते हुए आए। तो मैंने शूट नहीं की, फ़ोन ऑन बैग सब शकीला के पास था, कुछ सामान लेना था तो वो लेकर आए हम लोग। और फिर जब से मैं थोड़ा बहुत काम में बिजी थी और सैलून पे तो कोई क्लाइंट नहीं है, बट नसरीन और शकीला गए होम सर्विस करने, जाते हैं नहीं लेकिन वो क्लाइंट भी थोड़ा सा मतलब कोई खास है, तो लोग कहीं दूर नहीं गए, लोखंड वाला गए हुए। तो मैं सैलून में बैठी थी और वीडियो वगैरह तो बनेगा नहीं क्योंकि घर पे होम सर्विस करने गए, तो और उनको कुछ अर्जेंट था तो वो आ नहीं पाए, तो घर पर ही वो बुला लिए। तो चलो ठीक है, तुम लोग जाकर रहो जब तक मैं सैलून संभालती हूँ। और जाना ने मेरे लिए देखो क्या मंगाइए, लपिनो से वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट पास्ता ख़त्म भी हो गया और लपिनो वाला है और बहुत टेस्टी रहता है। हम लोग रमज़ान में बहुत मंगा के खाए ना जाना, है ना। और जहाँ चम्मच लेके बैठी है क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं, मैंने मेरे हिस्से का शान और कलियों को दी क्योंकि लोग बाहर बैठे हैं देखो, और हम लोग दोनों ही अकेले बैठे सैलून के अंदर। पहला कहीं हम लोग को जाना भी था क्योंकि जुमेरात है, तो अभी देखते जैसा भी है पहले कुछ खा लेते क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। और वो लोग भी अभी आए नहीं, 8 बज रहा है क्योंकि लोग 6:30-6:30 बजे से गए, देखते हमारे साथ वाइस सॉस पास्ता खाने। यम्मी माशाल्लाह, हम लोग आए हुए इस दरगाह पे सलामी देने जाना। चीनू खड़ी है, मैं इस दरगाह को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। छोटा माही में जब हम लोग माही नहीं जा पाते तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, बहुत सुकून मिलता है, बहुत परेशानियाँ यहाँ से मेरी दूर हुई है सच में। ये लो बाहर घर पे, और हम लोग गए थे बा मखदूम अपने काम कर मलाड़ की, और हालत देखो कैसे हो गई है, थोड़ा सा फ्रेश होते अभी, गर्म बहुत हो रहा है, सोची थी ऑयल कल सर्द होंगी पर हिम्मत नहीं गर्म से, और नींद भी नहीं आएंगी, और अच्छा लगा। और आप लोग ने देखे मैंने आप लोगों को कुछ दिखाई थी पैम्पलेट ज़रा सा, तो हम लोग सब देने गए थे 5D वगैरह जहाँ पर हम लोग का जो नज़दीक लोकेशन है, और फिर सुबह भी हम लोग इंशाल्लाह देखो देने जाएंगे। तो वही सब काम में हम लोग बिजी थे आज। शकीला भी आई है 11:45 बजे, तला भाई आया है लेट आया वो क्योंकि इसका बर्थडे आज, इससे लाया हम लोग के लिए बिरयानी है ना, अरबियन बिरयानी, अरबियन लैला भी आ गई अंदर। चलो फिर मिलते है ना, तो ये माँ बेटी का चालू हो गया है, माँ का तो नहीं, माँ तो बहुत इसकी शांत है, बेटी है ना जो बेटी है जो बेटी है ना वो बहुत नखरे बाजार बेटी कैसा कैसा बेटी चलो फिर मिलते हैं चेंजेस करके आप लोग बेटी।
फ्रेश, नहा धो के एकदम मस्त, और अभी बनाया दाल चावल। मैं थोड़ा सा लाइव पे थी, एंटरटेनमेंट कर रहे थे हम लोग। माशाल्लाह 100-150 लोग आए थे, हमारे फ्रेंड जो भी हमारे चाहने वाले हैं, बहुत मजा आया। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, और हेटर्स तो आते ही, हेटर्स दे देंगे तो फिर इंसान बोलते ना, मार्केट में जितना नाम खराब करता रहा उतना ही दबा के चलता है। और वैसे भी हम लोग की सारी वीडियोस देखो जाकर, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डायलॉग वाली वीडियो तो हम लोग ही सिर्फ डायलॉग पे ज्यादातर बनाते थे, और अभी तो कॉपी कैट होती है, वो तो होनी ही है। खैर छोड़ो, नॉट इंटरेस्ट। तो जरा पहला खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको जैसा भी रहेगा आगे। चावल और इसके साथ ये कच्ची कैरी जो हम लोग गए थे झाड़की में तोड़ कर लेकर आई थी। चलो खाते, बिस्मिल्लाह करते। खाना वीना सब, और गर्मी भी है, और ये अभी ठंडा लग रहा है कि एसी में बैठे हम लोग। तो मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलना मत, दुआ में याद रखना। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल कुछ नई चीज के साथ, रहना। चलो दुआ में याद रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।